हेलो जी, नमस्ते, हर हर महादेव। स्वागत है आपका चैनल पे। लद्दाख एक इतनी खूबसूरत जगह है जिसे इंडिया में हर इंसान एक न एक बार टिक ऑफ करना चाहता है, लेकिन उसके लिए कैसे प्लान करें इस कंफ्यूजन की वजह से अपनी ट्रिप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप अपना लद्दाख ट्रिप खुद प्लान कर सकते हैं, आपको कितने दिन रिक्वायर्ड है, आपको क्या बजट लेके चलना चाहिए, कहाँ कहाँ स्टे होगा, कौन कौन सी जगह देखनी है। तो सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लद्दाख, अ लैंड ऑफ हाई पास, अ कोल्ड डेजर्ट एरिया जिसके रॉकी माउंटेन्स और लैंडस्केप इतने खूबसूरत नजारे आपको प्रेजेंट करते हैं कि हर पल एक नया व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप लोग लद्दाख कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले और सबसे इजीएस्ट वे है बाय एयर। आप लोग डायरेक्टली फ्लाइट लेके लेह जो कैपिटल है वहां पहुंच के इस टूर की शुरुआत कर सकते हैं। बाय ट्रेन हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वो रास्ता बहुत लंबा और काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो सबसे ज्यादा जो लास्ट ऑप्शन बचा है और सबसे एक्साइटिंग ऑप्शन, क्योंकि लैंड की जो जर्नी है बाय रोड की और जिस जिस रास्ते से आपको लेके जाती है वो एक लाइफ टाइम का एडवेंचर होता है जिसके लिए ज़्यादा लद्दाख जाना जाता है। तो बाय रोड आपके पास क्या ऑप्शन है, आप किन रास्तों से पहुंच सकते हैं, पहले उनके बारे में बात करते हैं, फिर आपको लेकर चलेंगे लेह से आप अपना ट्रिप कैसे स्टार्ट करें बाद में। तो अगर बाय रोड हम बात करें तो लद्दाख एंटर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक हिमाचल साइड से और एक कश्मीर साइड से। अगर हम हिमाचल साइड से बात करें तो आपके पास अगेन दो ऑप्शंस आते हैं। दारचा एक पॉइंट आएगा, उसके बाद आपके पास दो अल्टरनेटिव है। एक रास्ता जो ऑफ रोडिंग और काफी एडवेंचर भरा है, अगर आप लोग 4x4 आपके पास है तो आप उस रास्ते को ले सकते हैं जो कि है दारचा से जांस्कर होते हुए पादुम के थ्रू डायरेक्टली आप ले पहुंच जाएंगे। दूसरा रास्ता जो काफी अलग है, एडवेंचरस है, लेकिन उस पर रोड काफी बेटर बना हुआ है, अगर आपको उससे जाना है तो आप दारचा से बारलचा पास होते हुए और मोरे पेंस के थ्रू फाइनली लद्दाख पहुंच जाएंगे। और अगर आप लोग कश्मीर साइड से प्लान कर रहे हैं तो श्रीनगर, जोजिला पास होते हुए कारगिल और फाइनली आप लोग लद्दाख पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको कितने नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड है इस ट्रिप के लिए। अगर आप लोग बाय फ्लाइट जा रहे हैं तो आपको 6 दिन मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप लोग बाय रोड जा रहे हैं तो आपके ये नंबर ऑफ डेज चेंज हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस साइड से रोड जर्नी करना चाहते हैं। मनाली साइड से अगर आप जाते हैं तो आपके 2 दिन ऐड हो जाएंगे तो टोटल 8 दिन हो जाएंगे, लेकिन अगर आप कश्मीर साइड से जाते हैं तो आपके 3 से 4 दिन एक्स्ट्रा ऐड होंगे, तो रफली आप लोग 10 डेज एक्स्ट्रा लेकर चलिए। हम लोगों ने ये जर्नी मनाली साइड से की है और हम अपना एक्सपीरियंस आपको वहीं से बता रहे हैं। Hey guys, good morning. So, आज हमारी ट्रिप का है दूसरा दिन और अभी फिलहाल हम लोग हैं जिस्पा के अंदर। पहला दिन खत्म होने तक हम लोग जिस्पा पहुंच गए थे अराउंड 6-7 बजे। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप लोग दिल्ली से जिस्पा आ रहे हैं जो कि दिल्ली से 625 किलोमीटर की दूरी पर है, आपको यहां पर प्री बुकिंग करानी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग यहां पर आए थे तो ऑलमोस्ट सारी जो जगह थी वहाँ पे लोग ही लोग आ चुके थे। हम जल्दी जाना चाहते हैं ताकि हमें रश ना मिले, हमें गाड़ी किसके चक्कर में वेट ना करना पड़े। और दूसरा ये कि आज हम क्रॉस करेंगे बहुत ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पासेस, बारलचा पास, नकीला टॉप, उसके बाद लाचुंगला और फिर टैंगलेंगला। हमारा एस्टिमेट ये है कि हम रात को 8 या 9 बजे तक लेह पहुंच जाएंगे और इन पासिस पे बहुत ही ज्यादा ठंड होने वाली है। जिसपा पे 2 तरह के स्टे आपको मिलेंगे, एक यहाँ पे कैंपिंग समर्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे मेरे पीछे की आप देख सकते हैं, पास में बिल्कुल जिस्पा रिवर बह रही है, और दूसरे हैं होम स्टेज और होटल्स। आपको कैंपिंग का शौक है, कैंपिंग के लिए आपकी कॉस्ट रहेगी अराउंड 1000 रुपीज, जिसमें आपका खाना भी इंक्लूड होगा। हमारा जो रूम था हमें 1500 में मिल गया था और खाने के लिए हमें अलग से पैसे देने पड़े थे। सुबह 6 बजे हमने इस सफर की शुरुआत की और निकल गए लेह के लिए। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं दारचा, जो कि चेक पोस्ट है जहां पर हमारे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होगा। और ये है दारचा की पुलिस चेक पोस्ट जहां पर सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। हम लोग वहां नीचे से आए हैं और ये है दारचा का बेहद खूबसूरत ब्रिज जिसको अभी हम क्रॉस करके ऊपर आए हैं।
दारचा जैसे ही आप क्रॉस करोगे वहां से 5 मिनट की दूरी पर आपको ये साइन बोर्ड मिलेगा जिसपे लिखा होगा शिंकुला और लेह का रास्ता। अगर आप लोग शिंकुला साइड से जाना चाहते हैं, यहाँ से भी रास्ता है लद्दाख जाने का, लेकिन आपको बता दें कि ये रास्ता काफी ज्यादा रॉ है, बहुत सारी वाटर स्ट्रीम्स आपको क्रॉस करनी पड़ती है। तो अगर आप एक एडवेंचर सीकर हैं और आपके पास ये 4x4 है तभी इस रास्ते को आप ट्राई करें। हालांकि बहुत कम लोग हैं जो इस रास्ते से जाते हैं, लेकिन ये रास्ता काफी ज्यादा सैनिक भी है। मनाली से जब आप लोग लद्दाख जाते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आता है बारालाचा पास, नकीला टॉप, लाचुंगला, टैंगलैंगला, इसके अलावा दीपक ताल और सूरज ताल भी आपको देखने को मिलेगा, और मिलेगा साचू का पॉइंट जो कि है हिमाचल और लद्दाख का बॉर्डर। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेंगे 21 हेयर लूप बैंड जिन्हें गाटा लूप भी कहते हैं। तो जैसे जैसे हम इस रास्ते पर चलेंगे हम आपको ये सारे पॉइंट्स दिखाते हुए चलेंगे। और मेरे पीछे है दीपक ताल। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जिंगजिंग बार। इस पूरे सफर पे, इस पूरे सर्किट पे मुझे नाम जगह के बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। जिसपा से बारालाचा तक का रास्ता काफी अच्छा बना हुआ है, बस कुछ पैचेस के अंदर आपको वाटर स्ट्रीम्स मिलेंगी। बारालाचा के बाद रास्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है और आप गाड़ी सिर्फ पानी के ऊपर से लेके जाते हैं। दीपक ताल के बाद इस रूट पे अगली देखने लायक जगह सूरज ताल है, जो दीपक ताल की तरह ही मेन रूट पे पड़ती है। हालांकि मुझे लगता है कि सूरज ताल ज्यादा खूबसूरत है। मेरे पीछे है बेहद खूबसूरत सूरज ताल, जिसका पानी बिल्कुल प्रिस्टीन ब्लू है। इस टाइम आपको रिफ्लेक्शन सूरज का इस तरफ से आ रहा है तो शायद नजर ना आए। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं बारालाचा पास। सो फाइनली हम क्रॉस कर रहे हैं बारालाचा पास को, एंड दिस इज माय 4th टाइम टू बारालाचा पास। बारालाचा के बाद रास्ता काफी खराब है, रोड की कंडीशन बहुत बुरी है, दोनों तरफ आपको काफ़ी जमी हुई बर्फ दिखाई देगी और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है ये बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है और रोड पे काफ़ी पानी इकट्ठा हो जाता है। हम रेकमेंड करेंगे कि आप अगर इस रोड पे आ रहे हैं तो एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी लेकर चलिए या फिर एक बहुत ही स्मार्ट ड्राइवर को साथ लेकर चलिए। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है सारचू। बारालाचा पास से सारचू का सफ़र करीब 1 घंटे का है और ये रास्ता बहुत ही सीनिक है। बहुत सुंदर नज़ारों को देखते हुए स्मूथली आप सारचू पहुंच जाएंगे। So, अभी हम लोग पहुंच गए हैं सारचू की चेक पोस्ट पर। तो हमने यहाँ से लंच और ब्रेकफास्ट लिया है और अगर आप लोग सारचू में फंस जाते हैं, रात को लेट हो रहे हैं, तो आप यहाँ रुक भी सकते हैं। खाने के साथ साथ इन्होंने बहुत ही कोजी स्टे अरेंजमेंट कर रखा है और ये रुका आप यहाँ पे रुक सकते हैं सिर्फ 200 रुपये पर नाइट पर पर्सन के हिसाब से। हम सारचू के आगे जब चले हैं तो रोड बिल्कुल नहीं है और हम लोग मिट्टी के अंदर से जा रहे हैं और बहुत सारी धूल उड़ती जा रही है सब गाड़ियों से। सारचू के बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन आएगी पांग, जो सारचू से करीब 70 किलोमीटर दूर है, पर वहां पहुंचने में आपको करीब 4-4.5 घंटे लगेंगे। लेकिन उससे पहले हमें मिलेंगे गाटा लूप्स। So, अभी हम क्रॉस कर रहे हैं फेमस गाटा लूप्स। और हम फाइनली बहुत सारे लूप्स चला के
और इसके बाद आएगा इस सफर का तीसरा हाई पास, इसका नाम है लाचुंगला। करीब एक घंटे के सफर के बाद हम पहुंच गए लाचुंगला, जो कि है 16,616 की हाइट पे। तो इस पूरे ट्रिप पे जो एक जगह है जिसने हमारी जान ले ली आने में, वो है पांग। हमें पहुंचने में 4.5 घंटे लग गए और हम इतना एग्जर्ट और इतना एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि बता नहीं सकते। बट इसके बाद फिर 75 किलोमीटर तक हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग रुके हैं यहाँ पे कि हम कुछ लेमन टी ब्रेक, जिसको जो खाने का मन है वो खा लें। पांग क्रॉस करने के बाद आते हैं वो नज़ारे जिनका हमें तब से इंतज़ार था। जी हाँ, अब हम क्रॉस करेंगे मोरे प्लेन्स को। मोरे प्लेन्स आते ही आपको लद्दाख की फील आने लग जाएगी। तीस से 40 किलोमीटर तक का मोरे प्लेन्स का रास्ता कवर करने के बाद आएगा इस सफर का हमारा आखिरी पास टैंगलैंगला। अगर आप लोग रेंटेड बाइक लेकर आ रहे हैं या कोई भी कमर्शियल व्हीकल लेकर आ रहे हैं जो लद्दाख से बाहर का है, तो आपको बता दें कि वो आपको सिर्फ लेह तक लेकर जाएगा। उसके बियॉन्ड उसको यूज करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। वो आपको लेह में पार्क करना है और वहीं का व्हीकल, वेदर वो बाइक हो या फिर कार हो, वो लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो वो पूरे लद्दाख में अलाउड है। तो पता नहीं हम कितने घंटों की जर्नी के बाद फाइनली पहुंच गए हैं लेह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हमारा डे वन है लेह के अंदर। आप लोगों को बताना चाहेंगे, अगर आप लोग बाय फ्लाइट आ रहे हैं या बाय कार आ रहे हैं, नॉर्मली रिकमेंड किया जाता है कि आप लोग एक दिन एक्लिमेटाइजेशन के लिए ज़रूर रिजर्व रखें, क्योंकि यहाँ आके ऑक्सीजन की दिक्कत सबको होती है। और आज हम जा रहे हैं लेह घूमने के लिए। लेह में हम देखने वाले हैं यहाँ के लोकल प्लेसेस, जिसमें आएगा हमारा शांति स्तूपा, मैग्नेटिक हिल, पत्थर साहिब गुरुद्वारा, और पास में ही है थीकसे मॉनेस्ट्री और शेर पैलेस, और लेह का लेह पैलेस भी, और संगम, जहाँ पे दो रिवर्स का बहुत ही सुंदर मिलन आपको दिखाई देगा। तो पहली डेस्टिनेशन है हमारी शांति स्तूपा, जो सेंट्रल लेह से करीब 5 किलोमीटर दूर है। ये एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है और इसमें 14th century के अवशेष हैं। जितना खूबसूरत ये दिन में नजर आता है, उतना ही शानदार ये रात को नजर आता है। इसको देखने के टाइमिंग सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक है। अगली डेस्टिनेशन है हमारी पत्थर साहिब गुरुद्वारा, जो सेंट्रल लेह से करीब 23 किलोमीटर दूर है। इसी रोड पे आगे आपको पड़ेगा मैग्नेटिक हिल और फिर संगम और लमायरू। तो मेरे पीछे है पत्थर साहिब गुरुद्वारा। अगली डेस्टिनेशन है हमारी मैग्नेटिक हिल, जो इसलिए पॉपुलर है कि वहाँ गाड़ी अपने आप चलती है। हैरान हो गए, तो चलो दिखाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ का मैग्नेटिक फोर्स इतना ज्यादा है कि इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स भी यहाँ से उड़ना अवॉइड करते हैं, अदरवाइज उनके डिवाइसेस में मैग्नेटिक इंटरफेरेंस बहुत स्ट्रॉन्गली एक्सपीरियंस होता है। नंबर 4 पे है संगम, जिसे कहते हैं कॉन्फ्लुएंस भी। यहाँ का एक और बहुत खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन जो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। मैग्नेटिक हिल से ये करीब 7 किलोमीटर दूर पड़ता है, उसी रोड पर जब अपना सफर आप आगे जारी रखेंगे। ये जो लेफ्ट से आप देख रहे हैं, ये है इंडस रिवर, एंड सामने से आ रही है जांस्कर रिवर, जांस्कर वैली से। नंबर 5 डेस्टिनेशन है लमायरू, जिसे कहते हैं द मून्स लैंड। यहाँ के माउंटेन्स की मिट्टी रात को चमकती है। ये लेह से करीब 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगर आप लोगों ने अपनी रोड ट्रिप प्लान की है लेह से श्रीनगर की, तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप इसको उस दिन कवर कीजिए। लेकिन अगर आप लोगों ने लेह से लेह ही फ्लाइट करके वापस जाना है, तो आप लोग इसको देखकर आ सकते हैं। अगली डेस्टिनेशन है हेमिस मॉनेस्ट्री। इसको देखने के लिए आपको वापस सेंट्रल ले आना है और फिर दूसरी डायरेक्शन में ट्रैवल करना है। ये लेह से करीब 1 घंटा दूर है। ये काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि ये इंडिया की वन ऑफ द वेल्दीएस्ट मोनेस्ट्रीज में से आती है। यहाँ पे एक एनुअल फेस्टिवल होता है जो हर साल जून के महीने में होता है। तो अगर आप जून में यहाँ पे आ रहे हैं, तो उस फेस्टिवल को ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए। वो कल्चरली बहुत रिच होता है। अगली डेस्टिनेशन है हमारी थीकसे मॉनेस्ट्री, जो लेह से करीब 20 किलोमीटर दूर है। ये तिब्बतन स्टाइल मॉनेस्ट्री है, जिसकी लोकेशन बहुत ही सुंदर है।
ये इसलिए पॉपुलर है, यहाँ पे मैत्रेय बुद्धा की 15 मीटर हाइट की स्टैचू है जो लार्जेस्ट है लद्दाख के अंदर। ये स्टैचू दो बिल्डिंग्स की हाइट पे कवर करती है और इस मिनिस्ट्री के अंदर आपको काफ़ी वॉक करके जाना पड़ता है। यहाँ पे एंट्री चार्जेस करीब 30 रुपये हैं और ये सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक खुली होती है। इसके अलावा आप शे पैलेस देख सकते हैं जो कि यहाँ की समर कैपिटल होती थी, और ले पैलेस जो कि मेन ले में पड़ता है। हॉल ऑफ फेम भी एक बहुत खूबसूरत देखने लायक जगह है। एक बात आपको बता दें कि लद्दाख में घूमने के लिए आपको परमिट चाहिए होता है, और ये परमिट आप दो तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहले तो जहाँ पे आप लोग रुक रहे हैं, सबसे ईजिएस्ट वे है कि उधर होटल वालों को बोल दीजिए, वो आपके लिए डॉक्यूमेंट्स आपसे लेके, जिसमें आपका आधार कार्ड और आईडी होता है, वो लेके आपका परमिट तैयार करवा देंगे। और अगर आप लोग खुद करना चाहते हैं तो ऑनलाइन हम आपको जो लिंक दिखा रहे हैं इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस परमिट का कॉस्ट अराउंड 550 रुपीज़ पड़ेगा। Hey guys, good morning. आज हमारी ट्रिप का है तीसरा दिन, और दूसरे दिन हम लोगों ने जिस्पा से लेह तक ट्रैवल किया था, और फिलहाल अभी हम हैं लेह के अंदर। आज हम लोगों का प्लान है, हम जाने वाले हैं नुब्रा वैली, जिसके लिए आपको परमिट की जरूरत होती है, जो हमने ऑलरेडी डीसी ऑफिस से ले ली है लेह के अंदर। तो अभी चलो, हमने पैकिंग कर ली है, तो आपको लेके चलते हैं नुब्रा वैली। हम लोगों को नुब्रा के लिए निकलते निकलते काफी लेट हो गया था। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों को जल्दी निकलना है। ले से निकलते वक्त आप लोगों को एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको अपना टैंक फुल कराना है, और अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप एक कैन भी भरवा के रह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको पेट्रोल पंप सीधा नुब्रा वैली में मिलेगा। हम वहाँ से आए हैं। ले से खारदुंगला का जो रास्ता है वो बहुत खूबसूरत रास्ता है, और उस रास्ते पे आपको ले का पूरा बर्ड आई व्यू देखने को मिलता है, और जो समर्स में स्पेसिफिकली इतना ग्रीन, इतना ब्यूटीफुल है। ले से नुब्रा का जो रास्ता है खारदुंगला के थ्रू, इस रास्ते पे समर्स में स्पेसिफिकली आपको जल्दी निकलना है। खारदुंगला क्रॉस करते ही टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल हो जाएगा, और दिन जैसे जैसे बढ़ेगा आपको काफ़ी गर्मी एक्सपीरियंस होने लगेगी। तो ये है साउथ कुल्लू की चेक पोस्ट, जहाँ पर आपकी परमिट चेक होती है, और हमारी चेक हो गई है। अब हम आगे निकल रहे हैं खारदुंगला के लिए। अभी हम खारदुंगला से थोड़ा पहले रुके हुए हैं फोटोज वगैरह के लिए। यहाँ से जो व्यू पॉइंट है बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जैसे जैसे आप खारदुंगला के करीब पहुंचने लगेंगे, आपको बर्फ के काफ़ी बड़े पैचेस नज़र आने लग जाएंगे, एक्साइटमेंट भी काफ़ी बढ़ जाएगी, लेकिन साथ ही में आपको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत फील होने लग जाएगी, और ब्रीदिंग काफ़ी हैवी फील होगी। करीब 1 घंटे का बहुत खूबसूरत सफ़र अनुभव करके हम अपनी आज की पहली मंजिल पर पहुंच गए, और वहां इतना ज़्यादा रश था कि हम देखकर हैरान हो गए। इसीलिए हम बार बार आपको रिपीट करते हैं कि जिस दिन आपको खारदुंगला से नुब्रा जाना है उस दिन आप जल्दी निकलिए, वरना साइन पोस्ट के पास इतना रश होगा कि आप इस पूरी वाइब को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। खारदुंगला 1976 में बिल्ट किया गया था, और 1988 में इसको पब्लिक मोटर व्हीकल्स के लिए ओपन कर दिया गया था। खारदुंगला कनेक्ट करता है ले को श्योक और नुब्रा वैली से, जो कि आगे जाके हमें ले जाता है सियाचिन ग्लेशियर पे। खारदुंगला से खालसर है 56 किलोमीटर दूर, जहाँ से हमें टर्न लेंगे हुंडर के लिए, और आगे हम जाएंगे टूटरू तक। अगर आपको AMS की प्रॉब्लम है तो आप खारदुंगला पर 5 से 10 मिनट से ज़्यादा यहाँ ना रुके, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। खारदुंगला से नुब्रा वैली का डिस्टेंस करीब 120 किलोमीटर का है, और इसे अभी भी 3.5 घंटे यहाँ से हमें लगेंगे। खारदुंगला वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड हुआ करता था, लेकिन अब ये उपाधि उमरिंगला ने ले ली है, जो कि नाउ वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल कनेक्टेड रोड है, और ये भी लद्दाख के अंदर ही है। मेरे पीछे भी एक जगह है जिसका नाम है नॉर्थ कुल्लू।
ये खारदुंगला से पहली जगह है जहां आप खाना खा सकते हैं और यहां पर भी हमारी परमिट चेक होती है। सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं खारदुंग। और अभी हम पहुंचने वाले हैं जंक्शन पॉइंट पे, जहाँ पे एक रास्ता निकल जाएगा नुब्रा वैली को और दूसरा रास्ता निकल जाएगा पेंगोंग लेक को। हम आपको वो डाइवर्जन पॉइंट ज़रूर दिखाएंगे। ये सामने वाला रास्ता जाता है पेंगोंग लेक को, जो आगम और शोक होके जाता है, और जो ये लेफ्ट वाला है ये रास्ता जाएगा आपका नुब्रा वैली को। और अभी हम इसी रास्ते पर जा रहे हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं खालसर। अभी हम देखते हैं कि यहाँ कुछ खाने का मिलेगा या नहीं। खालसर से थोड़ा आगे चलने पे आपको एक डाइवर्जन पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे आपको एक पेट्रोल पंप मिलेगा और आपको बता दें कि आपको यहीं से अपना पेट्रोल भरवाना है, क्योंकि इसके आगे नुब्रा वैली में आपको और कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। अब हम चल पड़े अपनी दूसरी मंजिल की तरफ, जो कि है दिस्कित मोनेस्ट्री, जो बेहद खूबसूरत है। यहाँ पे 32 मीटर के मैत्रेय बुद्धा की बहुत ही सुंदर, बहुत ही कलरफुल स्टैचू है और वो एक हिल के ऊपर है, जहाँ से बहुत सुंदर नज़ारे दिखते हैं पूरी नुब्रा वैली के। ये मोनेस्ट्री नुब्रा से करीब 6 किलोमीटर पहले पड़ती है और एकदम मेन रोड से ही आपको नज़र आ जाती है। और दिस्कित मोनेस्ट्री से नुब्रा वैली का बहुत ही शानदार व्यू दिखता है। इस मोनेस्ट्री में स्टे ऑप्शन भी है और आप मात्र 200 रुपए में यहाँ पे रुक सकते हैं। और अब हम निकल चुके हैं अपनी लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन के लिए, जिसके लिए सफर हमने शुरू किया था, जो कि है नुब्रा वैली। नुब्रा वैली फेमस है सैंड ड्यून्स के लिए, सैंड स्टॉर्म्स के लिए और सबसे ज्यादा डबल हैंड कैमल के लिए। और ये रोड साइड ही शुरू हो गए हैं सैंड ड्यून्स, जो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं, पूरी जैसलमेर की फील देते हैं। सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं हुंडर। फाइनली काफी थोड़ा बहुत थका हुआ सफर करके पहुंच गए हैं अपने आज के डेस्टिनेशन पे नुब्रा में, और ये हमारी लेमन जिंजर हनी टी तैयार हो गई है। तो अभी हम पहुंच गए हैं हुंडर सैंड ड्यून्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस ट्रिप का चौथा दिन है और एक से एक सुंदर जगह हमारे सामने आती जा रही हैं। कल हम लोगों ने पूरा नुब्रा एक्सप्लोर किया था ले से आके, और यहाँ पे हम रुके एक बेहद बेहद बहुत सुंदर जगह पे, और आज हम जा रहे हैं टोटोक और त्याक्षी, जो कि एक्सट्रीमली अनएक्सप्लोर्ड गाँव है। वहाँ का कल्चर एकदम डिफरेंट है पूरे लद्दाख के कल्चर से। आज हम आपको हिस्ट्री से रूबरू कराएंगे। लेफ्ट वाले रास्ते से हम लोग आए थे ले से, और अभी जो ये राइट वाला रास्ता है ये निकल जाएगा आपका टुरटुक के लिए। नुब्रा से टुरटुक और त्याक्षी का सफर करीब 2.5 घंटे का है, और ये सफर आपको बहुत खूबसूरत वादियों से लेकर जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस पूरे सफर पे आपको खाने पीने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आप जहाँ रुके हैं नुब्रा में वहाँ से अच्छा ब्रेकफास्ट करके चलिए या फिर कुछ पैक करवा लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट खाने का ऑप्शन आपको टुरटुक विलेज या फिर त्याक्षी विलेज में ही मिलेगा।
ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद आती है आर्मी की चेक पोस्ट, जहां पर आपको टूटू कुर्त्याक्षी के लिए अपनी परमिट दिखानी होती है। ध्यान रखें कि आपको अपनी परमिट की हार्ड कॉपी रखनी है, क्योंकि वही यहां पर हैंडओवर करनी होती है। इसी रास्ते पर आगे आपको शोक वॉर मेमोरियल भी देखने को मिलेगा, उसको भी जरूर देखिए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी हम लोग तुरतुक से 6 किलोमीटर पीछे हैं और हमें रास्ते में ये मिला है एक बहुत ही सुंदर वॉटरफॉल। जी हाँ, और अब हम पहुंच चुके हैं तुरतुक विलेज, जैसा कि आप देख सकते हैं इस साइन बोर्ड पर। हम लोग पहले टूटुक न जाकर त्याक्षी विलेज की तरफ जा रहे हैं, जो इसी रास्ते पर टूटुक से करीब 6 किलोमीटर आगे पड़ता है। यहाँ पर एक स्कूल है जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बनाया था, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट उसको चलाती है। अभी दिखाएंगे आपको वो स्कूल। और ये है त्याक्षी विलेज का सबसे पुराना घर, जहाँ हम आपको भी लेकर जा रहे हैं। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं उस टाइम पर भी कितना सुंदर घर बना हुआ था। अभी भैया हमें दिखाने वाले हैं यहाँ का म्यूजियम। स्कूल के जो ये 3 रूम्स हैं, ये बनाए थे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, और उसके बाद जब त्याक्षी विलेज को इंडिया ने एक्वायर कर लिया, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने और कमरे बनवा दिए यहाँ पर। मेरे सामने ही पाकिस्तान की चेक पोस्ट है, लेकिन मेरे पास DSLR नहीं है जो इतना ज़्यादा जूम हो सके, तो वो मैंने दूरबीन से देख ली है। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ से। और ये हम पहुँच रहे हैं टूटुक विलेज। पहले टूटुक विलेज आता है, उसके बाद त्याक्षी आता है। तो हम लोग आए हैं एक लोकल कैफ़े कम किचन में तुरुक विलेज के अंदर, और यहाँ हमने ऑर्डर किया है मलबरी जूस, जो यहाँ का लोकल सीजनल है इस टाइम में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारी ट्रिप का है 5वां दिन और अभी हम फिलहाल हैं हुंडर में, और अभी हम ब्रेकफास्ट करके निकलने वाले हैं पेंगोंग। हुंडर से पेंगोंग का डिस्टेंस करीब 165 किलोमीटर का है, और ये आप करीब 4 से 5 घंटे में कवर कर सकते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिस दिन आप हुंडर से पेंगोंग जाएंगे, उस दिन आप लोगों को जल्दी निकलना है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे नाले आएंगे जिनका फ्लो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा और गर्मी बढ़ेगी बढ़ता जाएगा, और आपको उन वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करने में दिक्कत आएगी। तो आप टाइम से यहाँ से निकलें। लेह के बाद अगर आप लोगों को नुब्रा वैली के रूट पर कहीं फ्यूल फिल करवाना है, तो आप खालसर में करा सकते हैं। ये पेट्रोल पंप है यहाँ पर, तो अभी हम लोग अपना टैंक फुल करा रहे हैं गाड़ी का, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे आगम शोक के रास्ते पेंगोंग। और ये है इस रोड का एडवेंचर। देखिए, जैसे हमने आपको बताया था कि पानी का स्तर बढ़ता जाता है, अभी सिर्फ 9 ही बजे थे और हमें काफी हैवी वाटर फ्लो मिलने लग गया है। अभी अभी हम लोगों ने क्रॉस किया है डुरबुक, जहां से डाइवर्जन है, एक रास्ता लेक को चला जाता है और एक रास्ता पेंगोंग लेक को चला जाता है। अब हम बस पहुंचने वाले हैं टांग से, जहां पर हमारी परमिट चेक होगी पेंगोंग लेक के लिए। टांग से पेंगोंग का रास्ता करीब 125 किलोमीटर का है, और अभी भी इस सफर को हमें 2.5 घंटे लगेंगे पूरा करने में। और अब हम पहुंच गए हैं चैंगथांग वैली, जिसको रुप्सो वैली भी बोलते हैं।
ये ईस्ट ऑफ लेह में पड़ती है और यहाँ से चाइना बॉर्डर बहुत पास है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है यहाँ के नोमैड्स, वाइल्ड एनिमल्स और बहुत ही रेयर बर्ड्स। पैंगोंग लेक पे पहुंचने का टाइम मैं आपको पर्सनल रेकमेंड करती हूँ कि 2 बजे के आसपास आप पहुँचे, क्योंकि इंडिया साइड से जब सन हमारी तरफ पड़ता है तो एग्जैक्टली वो 7 शेड्स आपको 2 बजे के बाद नज़र आएंगे और यकीन मानिए वो कलर्स इतने खूबसूरत हैं कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। और जैसे ही लेक हमारे साथ चल रही है, देखिए मन में ख्याल आता है कि ये लेक कितनी बड़ी है, लेकिन फिर भी बात ये है ध्यान देने वाली कि 1/3 हिस्सा इसका सिर्फ इंडिया में है और 2/3 हिस्सा इसका अभी भी चाइना के पास है। पैंगोंग आए तो एक रात रुकना यहाँ डेफिनेटली बनता है, यहाँ की सुबह एक्सपीरियंस करें, यहाँ की शाम एक्सपीरियंस करें। पहले पैंगोंग के किनारे पे बहुत सारे कैंप्स थे और आप इम्प्रोम्प्टू पहुँच कर यहाँ बुकिंग करके रुक सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे सारे कैंप्स हटा दिए गए हैं क्योंकि यहाँ की हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, इसलिए लेक से थोड़ा सा दूर पे ही जो स्टेबल स्टेज है उनको ही ऑथराइजेशन मिल रखी है और वहाँ रुकने के लिए हम रेकमेंड करेंगे कि आप अपनी बुकिंग करा के चले। पैंगोंग से ही आगे रास्ता जाता है सो मोरिरी लेक पे, जो पैंगोंग से भी काफ़ी खूबसूरत बोली जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास 3 दिन एक्स्ट्रा हैं तो पैंगोंग की तरह ही सो मोरिरी एक बहुत ही खूबसूरत लेक है और ये बिल्कुल क्राउडेड नहीं है, वो आप लोग देख सकते हैं। इसी रास्ते पे आगे आप लोग जाएंगे तो आपको ओमलिंगला, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड और हानले भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे इंडिया की लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी है। अगर आप लोगों को एस्ट्रो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है या स्टार गेजिंग के लिए, वो एक परफेक्ट लोकेशन है। तो इन 3 जगहों को कवर करने के लिए आपको 3 दिन एक्स्ट्रा और लगेंगे, लेकिन ये एक्सपीरियंस आपका काफ़ी यादगार हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगले ही वीडियो के साथ जल्द लौटेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, ज्यादा लोगों का शेयर कीजिए जो लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहे हैं। नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।